सो गाइस हम मैकडॉनल्ड्स आ गए और अभी बहुत भूख लग रही है फाइनली आउटफिट। सो गाइस इस समय हम गुड़गांव में हैं, यानी कि गोलू के घर पे हम आए हैं अभी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अब गोलू हमें लेके जा रहा है फाइनली मजे कराने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे यार। तो इतना ज़्यादा मुझे अभी भी नींद आ रही है ना उठ के। मतलब एक तो होटल के बेड्स ऐसे होते हैं कि मतलब आपका उठने का मन ही नहीं करता, तो इट्स लाइक दैट। एंड आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो देखते हैं आज के दिन में हम क्या ऐसे स्पेशल और अतरंगी करते हैं। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। अगर आप अपने नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे। हाय गोलू। हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ जा। बस यार उठना ही पड़ेगा, उठना पड़ेगा। चलो आपको डांस भी तो करना है। इसने कल ना लेग्स की एक्सरसाइज करी और यहाँ पे आया है और तब से इसकी टांगों की बैंड बजी हुई है। इससे तो उठा नहीं जा रहा, और वैसे भी अगले दिन तो टांगों का यही हाल होता है। बात तो सही है। हाय, कैन यू प्लीज सेंड मी द टॉयलेट किट इंक्लूडिंग बाथ लाइक शार्जल्स एंड शैम्पू एंड कंडीशनर प्लीज। थैंक यू। होटल्स में और एक्स्ट्रा टॉयलेट किट ना लो तो ऐसा मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि पहली वाली हम बहुत एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन के लिए हमें और चाहिए होती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो गाइस ये हमारा सुबह का हमारा व्यू है। गुड मॉर्निंग मनी। गुड आफ्टरनून। या मंदी बेचारी हमें 3 बार बुलाने आ गई, कह रही नहा लो अब चलो निकलो। आप नहा लिए? तान्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार तू संडे को भी काम कर रही है? या सैटरडे को भी किया था कल। सही है यार, बट हाँ मतलब 2:30 बज रहे हैं, मैं सुबह 8 बजे से कर रही हूँ। ओके वॉक, ग्रेट, नाइस। हमारा बेडरूम ऐसे बना के अपना इतना सही में रह रहे हो तुम लोग, मनी दिस इज रॉन्ग यार। आप ना हालो, देखो आपको हमें चेकआउट का टाइम हो रहा है। रेडी हो चुका हूँ एंड आई एम वेयरिंग दिस पैटर्न पिंक शर्ट विद दिस पिंक टी शर्ट। तो आज हम जा रहे हैं बाहर और आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हम क्या मस्ती और फन करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, अभी हो गया होटल का ऑलमोस्ट चेकआउट टाइम, हम लेट भी हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा इस होटल स्टे में, जल्दी करेंगे और भी बढ़िया स्टे, तो चलिए चेकआउट करते हैं। गाइस अब तान्या के रूम पे अब आ गए हैं, तो अब ये लोग अपना रेडी वेडी हो रहे हैं, जल्दी चलो तान्या। रेडी क्यों हो रहे हैं? जो भी कर रही हो। गाइस अभी हम लॉबी में वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर अ कार। तान्या और मन्नी अभी भी रेडी हो रहे हैं, हम इतना देर हो गई नीचे वेट करते हुए, बट इट वॉज अ वंडरफुल स्टे, वी लाइक्ड इट। तो अभी हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं तब वो तो हम आपको सीधा लेके चलेंगे, पहले नहीं बताएंगे। सो गाइस फाइनली अब घर जा रहे हैं, सामान पैक हो गया, ऑल सेट अजय भाई। So guys, let's just start this day. यार, finally. Finally. कुछ खाने को मिलेगा। हम snack, evening snack time पे finally हम breakfast करेंगे। Evening snack. सो गाइस हम मैकडॉनल्ड्स आ गए और अभी बहुत भूख लग रही है फाइनली आउटफिट पे आउटफिट इस स्टोर पे हम रुके और अभी कुछ खाएंगे। तो मन्नी जी भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ भी खिला दो, कुछ भी दे दो, बस दे दो। अब हम फाइनली ऊपर जा रहे हैं क्योंकि गोलू और वो सब ऊपर चले गए। सो गाइस गोलू की बिरयानी आ गई है फाइनली, पहला मील, कब से भूखा था बेचारा, अब खाएगा। ओए ओए गोलू। हाँ जी, बहुत भूख लग रही है यार सच में यार, कुछ भी मन नहीं कर रहा यार, कुछ भी कर रहा। मन नहीं भी आ गई अपना फाइनली फाइनली खाना। सो गाइस ये रहा हमारा मील, मो बर्गर एंड पैन फ्राइड मोमोज एंड कोल्ड ड्रिंक, ये पूरा भरा पड़ा खाने से। एवरीवन इज हैविंग द मील।
सो गाइस हमारा खाना पीना हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई हमें, लिटरली ऐसा लग रहा है कि जिम भाग जाना चाहिए यहाँ से, और कुछ जो हमारा मन है ना नेक्स्ट प्लान वो हम कह रहे सीधा जिम चल लो, है ना गोलू? और यार कैलोरीज बर्न करनी है हमें, बर्न या बढ़ानी है? बढ़ानी है गोलू को अपनी कैलोरीज, वो साइकिलिंग करते हैं कैलोरीज बढ़ाने के लिए। Good food, good mood now. Yeah. ताने का सबसे मेन family who eat together, stays together, love together, man. तो guys अभी हम next जो हमारा part है वो हम fun करने वाले हैं बहुत सारा, और वो हम रखते हैं थोड़ा सा suspense, क्योंकि मेरी हर video में आपको मिलेगा suspense. और अभी release कब होगी वो भी suspense है. Never. सो गाइज इस समय हम गुड़गांव में हैं, यानी कि गोलू के घर पे हम आए हैं अभी, तो सोचा थोड़ी देर ऐसा रेस्ट वेस्ट कर ले, चेंज वेंज कर लेगी ताने, और मुझे कुछ अपना व्लॉग क्या कहते हैं फाइल अपलोड पे लगानी थी, क्योंकि पूरा दिन कल वहाँ इतना अच्छा नेटवर्क नहीं था कि मैं अपना व्लॉग कर पाता अच्छे से रेंडर, तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं गोलू का घर। सो गाइज मामी भी रेडी हो गए हैं चलने के लिए साथ, कैसे हो मामी? बढ़िया, आप सुनाओ? तो आज रेडी हो आप साथ में और मज़े करने के लिए? बिल्कुल, प्यार है। मनी भी एकदम पोज में सेट है। सो गाइज हमने रेस्ट वेस्ट कर लिया, अब थोड़ी देर अपना रेस्ट करा है, मैंने अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया, व्लॉग अपलोड पे लगा दिया, मतलब कल के लिए स्केड्यूल कर दिया, और अब हम जा रहे हैं मैं नहीं बताने वाला। कैसा लगा मेरा मजाक? सीधा लेके चलूंगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत फन होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एक्साइटेड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस फाइनली मैं ले आया हूं जो मैंने कहा था कि मैं फन कराने वाला हूं, स्पेशल मैंने कहा था कि तरुण तू प्लीज गुड़गांव आ मेरे घर पे, और कहते मैं तुझे कहीं घुमाने लेके जाऊंगा, तो मेरे पास जो जगह थी वो थी एक स्मैश जो सेक्टर 29 में है, बाकी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अब गोलू हमें लेके जा रहे हैं फाइनली मजे कराने, सब बहुत मजे करेंगे। चलो वापस वाली आवाज निकाल ली हमने। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं, यार मेरे को मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे आज, मेरे को ना शैम्पू करने के बाद मेरे बाल बिल्कुल जो ऐसे फ्लैट हो जाते हैं ना चपटे डोसे की तरह, तवे की तरह, वो लग रहा है, मैं इसलिए शैम्पू ज़्यादा नहीं करता हूँ, और ना हेयर ड्रायर था ना या वैक्स थी, मैं कुछ भी नहीं लगा पाया, तो मेरे बाल ऐसे छोटे बच्चे जैसे लग रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हम सब एंड मामी ताने आ। स्मैश को हम अंदर से छू के वापस आ गए हैं, मन्नी कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया, इतनी सारी गेम्स खेलने एकदम थक गए, पसीने ही आ गए। फिर भूख लग गई क्या? बहुत। मामी आपको क्या लगा? बोर हो गए बहुत, बिल्कुल बोर। जब आप लेग्स डे के बाद अगले दिन फन करने आओ तो ऐसे ही होता है। क्या कह रहे थे गोलू? आज गुड़गांव आए हैं फन कराएंगे।
अब एक बार रिप्ले में इनका वो वाला पार्ट, रिप्ले में वो वाला पार्ट चलाएंगे जो गाड़ी में बैठ के इन्होंने बोला था। मैं फन कराने वाला हूँ, स्पेशल मैंने कहा था कि तरुण तू प्लीज गुड़गावा आ मेरे घर पे, और कहा था मैं तुझे कहीं घुमाने लेके जाऊंगा। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता है। बिल्कुल सही। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी हम आए हैं थोड़ी सी क्या कहते हैं गर्ल्स को शॉपिंग करने थी। मेरी गाइस हमारी फैमिली से शॉपिंग पूरी हो चुकी है।